अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम बनाने वाले हैं सोया मटर और कीमा। सो बहुत टेस्टी बनता है, आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक चम्मच जीरा, दो लौंग, एक काली मिर्च, डेढ़ इंच दालचीनी, दो छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, एक फूल, दो तेज पत्ता, तीन प्याज स्लाइस की हुई और पाव किलो कीमा। चलिए बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, फ्लेम फुल करेंगे और इसमें हम डाल देंगे तीन चम्मच तेल। उससे पहले अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें डाल देंगे तेल तीन चम्मच। ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे खड़े मसाले। खड़े मसाले ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा चला लेंगे, अच्छी तरीके से चला लीजिए उसे। मसालों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। ये देखिए यहाँ पर ये मसाले पक चुके हैं, अब हम इसमें स्लाइस की हुई प्याज डालेंगे और प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है। आपको यहाँ पर कुछ नया ही देखने मिल रहा होगा, आपने भाजी खाई है, कीमा हरा कीमा खाया है, लेकिन कभी दोनों मिक्स नहीं खाया है। बनाइए, ट्राई कीजिए। प्याज को लो फ्लेम पे रखना है, फिर उसके बाद एक कटोरी लीजिए, उसमें एक चम्मच मिर्ची ऐड कीजिए और फिर अब हम उसमें ऐड करेंगे दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर अब हम लेंगे एक ग्राइंडर, उसमें लेंगे एक कटोरी कोथमीर और इसे पीस लेंगे। फिर अब हम लेंगे एक कटोरी मटर, फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच गरम मसाले का पाउडर। फिर अब हम उसमें ऐड करेंगे दो चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे डेढ़ चम्मच हल्दी। बस अब हमें प्याज की तरफ जाना है और प्याज चलाना है। अभी प्याज थोड़ा और लाल होगी। ये देखिए इसमें प्याज लाल हुई, अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले और धनिया का पेस्ट। यकीन मानिए ये सब्ज़ी बिना पानी के बनी है, आप भी ट्राई कीजिए। बहुत सही बनती है, हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। थोड़ी देर ऐसी लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, थोड़ी देर बाद ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी। ये देखिए ये पक रही है, अब हम इसे दो तीन मिनट के लिए ढक्कन ढक कर रख देंगे। दो तीन मिनट हो चुके हैं, ये देखिए यहाँ पर मसाले ने तेल छोड़ दिया है। हमारा यहाँ पर मसाला भुन चुका है अच्छी तरीके से।
हमें इसे लगातार चलाते रहना है लोग मीडियम फ्लेम पे। फिर अब हम इसे थोड़ी देर ढक्कन ढककर रख देंगे। थोड़ी देर बाद ये देखिए, ये देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसे चलाते रहेंगे लो फ्लेम पे लगातार। एंड गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट डाउन। आप इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते रहिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा। और मटर, एक कटोरी जो हमने मटर लिया था। अब हम इसे मिला लेंगे अच्छी तरीके से। और अच्छी तरीके से हमें इसे मिलाना है। ये देखिए, अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। हमने यहाँ पर 2 चम्मच ऐड किया है। अब हम इसे फिर से मिला लेंगे। कमेंट में ज़रूर बताना रेसिपी कैसी लगी। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम इसे थोड़ी देर ढक्कन ढक्कर रख देंगे। हमने यहाँ पर एक गड्डी सोवा लिया है, उसे बारीक काट लिया है धोकर। अब हम ढक्कन उठाकर देखेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये देखिए थोड़ी देर बाद आप इसे खुले पकाइए, फिर अच्छी तरीके से इसे मिलाइए। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर ढक्कन ढककर रख देंगे। ये देखिए कैसे ऊपर ऊपर हमें तेल दिख रहा है, क्योंकि यानी इसका मतलब इसने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ सोया, सोए की भाजी। अब हम इसे अच्छी तरीके से पूरा मिलाएंगे। अच्छी तरीके से हमें पूरा मिलाना है। ये देखिए मिला देने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब हम इसे और चलाएंगे। अभी हम इसे और अच्छी तरीके से चलाएंगे।
कितना चलाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया, गार्निश, ये देखिए सब्जी बनकर रह गई चुकी है। बहुत लगी सब्जी, ट्राई कर रही कीजिए। अब चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। जो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में बाय बाय।